ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं अगेंस्ट क्रोन 5। तो ये जो डिफॉल्ट लोगो वाले प्लेयर होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। डर गया? मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हम पहुंच चुके हैं। लास्ट कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का कि अब जो भी क्रोन 5 के अगेंस्ट मैच होगा वो आपको 10 विकेट से जीतना है। तो यहाँ पे हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। आज मैच होने जा रहा है क्रोन 5 से, तो कोशिश करेंगे हम के 10 विकेटों से ये मैच जीतें। कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं, क्रोन 5 है और मेलबर्न का ये मैदान है, बहुत टाइम बाद खेलने लगे हैं। आपको पता है कि मैं RC22 रेगुलर नहीं खेलता। तो ये रही यहाँ पे अपोनेंट की टीम, जिसमें डेविड वार्नर है, टर्नर है, फिलिप्स है, क्लासन है, बहुत ख़तरनाक बल्लेबाज हैं और साथ में ऑलराउंडर भी किसी से कम नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज आए हैं बैटिंग करने के लिए। मेरी तरफ से राधाकृष्णन पहला ओवर करेंगे। पहली बॉल, पहला चौका यहाँ पे अपोनेंट की तरफ से बैक फुट पे उठाया, ये पेड शॉट है। अगली बॉल है, इस दफ़ा यॉर्कर लेंथ बॉल की है, बिल्कुल स्लो स्पीड में बॉल करेंगे और यहाँ पे उठा दिया है। अगेन यहाँ पे फ्रंट फुट पे उठाया, लेग साइड पे, पावर प्ले है तो फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे क्रोन 5। अगली बॉल है, इस दफ़ा गुड लेंथ बॉल की है, ड्रिफ्टर बॉल की है, बिल्कुल स्लो स्पीड में बॉल की है और यहाँ पे ब्रूटल अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन मिस टाइम हुई है। तो आपको पता है कि RC20 के फील्डर कैच नहीं छोड़ते, कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है। अगली बॉल है, इस दफ़ा हाफ स्पीड में रख के की गई बॉल है, चार बॉलें हो चुकी हैं और यहाँ पर एक बार फिर बैक फुट पर उठाया है, सेम शॉट सेम रिज़ल्ट। अगली बार है तो इस दफा हम एक बार फिर यॉर्कर लेंथ बॉल करने लगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो फाइनली यहाँ पे राधा कृष्ण दौड़े हैं बॉलिंग कराने के लिए, बॉल कराई है, एज लगाया और यहाँ पे फील्डर के हाथों में जाएगी, एक रन जरूर मिल पाएगा। एक रन मुकम्मल किया और बहुत तेज थ्रो फेंकी है। कैसी लगी? मुझे नहीं लगी, मैंने ग्लव्स पहने थे। जिमिनीशियम बॉलिंग करने के लिए आए हैं। पहली बॉल है, बिल्कुल स्लो स्पीड में बॉल है और यहाँ पे उठा दिया है, इस दफ़ा गैप में जाएगी, फील्डर थोड़े से दूर है, देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे खूबसूरत फील्डिंग, लगता यह है कि स्पाइडर मैन की फैमिली से हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग और साथ ही कमाल की थ्रो, लेकिन बॉलर अभी भी ना खुश हैं, अभी भी कह रहे हैं कि थ्रो जल्दी फेंकनी चाहिए थी। ये सुन के ज़रूर फील्डर ने कहा होगा, मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ। जिमिनीशियम पहली बॉल पे दो रन दे चुके हैं, अच्छा आगाज अभी तक। अगली बॉल है, फुल स्पीड के साथ की गई बॉल है, यॉर्कर लेंथ बॉल है और ऑफ स्टंप पे की गई बॉल है और यहाँ पे एडवांस उठाना चाहते थे, बॉल हुई इस टाइम, आउट होंगे, क्लासन को जाना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अगली बॉल है, स्लो बॉल है और तेज स्पीड के साथ की गई बॉल है, एडवांस उठाना चाहते थे। एक बार फिर यहाँ पे गलत गैसिंग अपोनेंट की तरफ से, एक बार फिर मिस टाइम है, एक और विकेट जाएगी यहाँ पे, तीन विकेट जा चुकी हैं। अगली बार है, एक बार फिर यॉर्कर लेंथ बॉल है, स्लो स्पीड में बॉल है, इस दफ़ा गैप में जाएगी, इस दफ़ा आसानी से यहाँ पे चौका हासिल होगा अपोनेंट की टीम को, अच्छी बैटिंग यहाँ पे। जिमिनीशियम दो विकेट्स ले चुके हैं। अगली बॉल है, एक बार फिर यॉर्कर लेंथ बॉल है, बाहर निकली हुई बॉल है और यहाँ पे मैजिकल शॉट लगाई है। मैजिकल शॉट क्यों है आपको स्लो मोशन में दिखाते हैं। तो मैं आपको सिचुएशन दिखाने वाला हूँ, आ बैल मुझे मार वाली। ये देखें, बॉल बल्ले से गुजर गई थी, बॉल बीट हो गई थी लेकिन फिर वापस आई है और बॉल ने कहा है कि मुझे मारो, किस तरह वापस आई है वो भी दिखाता हूँ। एक बार कमेंट्री सुने आप। Oh, that's a beautiful delivery. The bowler really unlucky to not get an edge on that one. अगली बॉल है, मोमेंटम कायम करने में कामयाब यहाँ पे अपोनेंट की टीम, एक बार फिर एडवांस उठाया है, दो रन मिलेंगे कि नहीं, दूसरे रन के लिए दौड़े जरूर है लेकिन छोड़ दे उसे। थ्रो जल्दी आ जाएगी तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग, बहुत ही ज़बरदस्त थ्रो, तो आसानी से यहाँ पे रन आउट किया है। जैसन होल्डर जैसा बंदा ज़रूर होना चाहिए टीम में। जसप्रीत बुमराह से
उनका बॉलिंग एक्शन उधार लेकर आए हैं कोल्टर नायल बॉलिंग करने के लिए। पहली बॉल है रिवर्स स्विंग थी और यहाँ पे सामने प्लेयर ये लगता है कि एबी डिविलियर्स से शॉट उधार लेकर आए थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। ये भी नहीं पता था कि मैं राइट हैंडर हूँ या लेफ्ट हैंडर हूँ। 360 बनने की क्या ज़रूरत थी, एबी डिविलियर्स ने यहाँ पे ये ज़रूर कहा होगा। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। अगली बॉल है, एक बार फिर यहाँ पे बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ बॉल है, उठाना चाहते थे लेकिन यहाँ पे मिस टाइम हुई है, तो कैच आसानी से पकड़ा जाएगा, एक और विकेट जाएगी। अगली बॉल है, चार बॉले करा चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पे उठा दिया है बैकफुट पे लेकिन इस दफा गैप पे जाएगी, इस दफा चौका मिलेगा। 2.5 ओवर, 30 रन आ चुके हैं। ये खूबसूरत शॉट है, ये गोल्ड शॉट है, क्या ही कमाल की शॉट सिलेक्शन अपोनेंट की तरफ से, शॉट ऑफ द डे मेरी साइड से। बॉलिंग जरूर अच्छी हो रही है लेकिन साथ साथ काउंटर अटैक भी कर रहे हैं अपोनेंट। अगला ओवर करने की ये लेग स्पिनर आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आए हैं, पहली बार पैरा ब्रूटल स्टॉप, पहला चौका यहाँ पे गैप पे जाएगी, अच्छी शॉट सिलेक्शन अपोनेंट की तरफ से। अगली बॉल है, इस दफ़ा टॉप स्पिन की गई बॉल है और यहाँ पे उठा दिया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उठा दिया है, कमाल की शॉट सिलेक्शन, बैक फुट पे 6 रन हासिल किए हैं। अगली बॉल है टॉप स्पिन बॉल है, आगे गिरी हुई बॉल है, फुल स्पीड में की गई बॉल है, एडवांस उठाना चाहते थे, बॉल हुई मिस, बॉल गई स्ट्रेट कीपर के पास और कीपर ने ज़रा सी भी गलती नहीं की, एक और विकेट यहाँ पे जाएगी। तो विकेट्स लगातार गिर रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रन्स आ नहीं रहे। चार ओवर हो चुके हैं, आखिरी ओवर करने के लिए ब्रॉन्ज का हीरो आया है, स्वेप्सन को लाया गया है बॉलिंग करने के लिए और पहली बॉल बल्ले से मिस हुई लेकिन कीपर गिर गए थे, स्टंप नहीं कर सके। अगली बॉल है, इस दफ़ा गुगली कराई गई है, स्लो स्पीड में बॉल और बैक साइड पे उठा दिया है, फील्डर मौजूद है, तो एक और कैच होगा, आसान सा कैच है ये, एक और विकेट है ये, तो यहाँ पर टर्नर को भी जाना पड़ेगा। चार बॉलें करा चुके हैं, सिर्फ 3 रन दिए हैं और एक विकेट भी ले चुके हैं स्वेप्सन। अगली बॉल थी यॉर्कर लेंथ बॉल थी, उठा दिया है लेग साइड की तरफ, फील्डर मौजूद है, तो 2 रन बनने चाहिए या नहीं, तो 2 रन बन चुके हैं, बस हवा निकल गई। ठीक है ठीक है, विकेट्स बचाओ, टेस्ट मैच लगा हुआ है, आखिरी दिन है, ड्रा करना है। फोर का दिया है टारगेट जैसन रॉय बल्लेबाजी करने के लिए, याद रहे कि ये चैलेंज है कि हमें ये मैच 10 विकेटों से जीतना है, एक भी विकेट जाया नहीं होने देनी। पहली बॉल पहला चौका फ्लिपर बॉल थी, 147 शॉट है ये बिल्कुल फ्री शॉट है। अगली बॉल है, इस दफ़ा बाहर निकली बॉल है, तो यहाँ पे उठा दिया है एक बार फिर बैक फुट पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, 4 रन के लिए खेले हैं। इस दफ़ा लेग स्पिन है, तो ये वाली जो 147 शॉट है लेग स्पिन को भी आसानी से कनेक्ट करती है और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में अगर किसी शॉट से आपको 6 रन मिलते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। एक बार फिर यहाँ पे फ्लिपर बॉल थी, एक बार फिर कनेक्ट हुई 147, एक और चौका, एक ओवर 20 रन आ चुके हैं। अगली बॉल है फुल स्पीड के साथ की गई बॉल है, एक बार फिर यहाँ पे खेले हैं, मिस टाइम ज़रूर है लेकिन गैप में जाएगी, चौका मिलेगा यहाँ पे, अभी तक विकेट नहीं खोई, अभी तक चैलेंज मुकम्मल करने में कामयाब। एक बार फिर यहाँ पे उठा दिया है बैकफुट से और एक और चौका मिल जाएगा। दूसरे ओवर में 2 चौके आ चुके हैं, 2 बॉलें हो चुकी हैं, 2 चौके आ चुके हैं। अगली बॉल है, इस दफा फुल स्पीड के साथ की गई बॉल है और एक बार फिर यहाँ पे फील्डिंग चेंज किए बगैर बॉल कराई थी, एक बार फिर सेम शॉट, एक बार फिर सेम रिजल्ट। अगली बॉल है, इस दफा फुल स्पीड के साथ शॉट बॉल है, एक बार फिर उठा दिया, एक बार फिर मिस टाइम है लेकिन एक बार फिर गैप में गई है, खुशकिस्मती देखें बल्लेबाज की, 4 बॉलें 4 चौके। अगली बॉल है, इस दफा फुल लेंथ की गई बॉल है, लेग साइड पे उठा दिया है और एक बार फिर यहाँ पे चौका हासिल होगा, खूबसूरत शॉट, फ्री शॉट, 175। अगली बॉल है और इस वजह एडवांस बैक फुट पे उठाया है, खूबसूरत शॉट है ये, कमाल का 6। अभी तक बहुत ही अच्छी बैटिंग मेरे बल्लेबाजों की तरफ से, अभी तक विकेट नहीं गिरने दी, इस बार स्टॉक खेला है, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे, तो चैलेंज को मुकम्मल करने में अभी तक कामयाब है, अभी तक विकेट नहीं गिराई।
जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए और चैलेंज मुकम्मल करने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए। 2 रन इस शॉट में मिल जाएंगे, अब सिर्फ 1 रन चाहिए। मैच यहां पे टाई होता होगा, मैच यहां पे बराबर होता होगा। अगली बार है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेले हैं तो विनिंग स्ट्रोक मारा है, 1 रन हासिल किया है, ओवर थ्रो ज़रूर है, मैच अब जीत चुके हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि फ्री में जो भी मिले ले लिया करें। तो इस यार्ड के साथ, इस रन के साथ चैलेंज मुकम्मल किया क्रॉन 5 को शिकस्त दी 10 विकेटों से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मजा आया हमारे मतलब आपको मत सिखा म्यूजिक